हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप घर में बहुत ही आसान तरीके से, आपको कुछ नहीं पकाना और बहुत आसान तरीके से आप बच्चों के बर्थडे के लिए या वैसे ही नॉर्मली बच्चों को ये रेसिपी बना करके दे सकते हैं। देखिए, चॉकलेट्स मैंने बिल्कुल घर में बनाई हैं, कोई मैंने इसको नहीं गर्म किया, कुछ नहीं करा। बहुत इजी तरीके से ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। मिल्क चॉकलेट और ये वाइट चॉकलेट, दोनों तरह की चॉकलेट मैं आपको बनाना बताऊंगी और बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप उनके बर्थडे पर ये रेसिपी बना सकते हैं, एक प्लेट में एक आइटम हो जाएगा उनको और बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसमें घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ बाजार से हमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए और हमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए हमने जार में 4 चम्मच पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर ले सकते हैं आप, और 4 चम्मच ही मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। नॉर्मल कोई सा भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब ये 4 चम्मच इसमें मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल ही लीजिएगा। और अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं। इसके बाद हम इसे बस कुछ गर्म नहीं करेंगे, सिंपल मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है इसका एक स्मूथ पेस्ट बनने तक। अगर आपको लगता है ये स्मूथ नहीं हुआ तो उसमें 1 चम्मच आप ऑयल और डाल सकते हैं। बस उसके बाद इसे नॉर्मल ग्राइंड करना है। मैंने ऑयल को पहले गर्म कर लिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए। अब इसे ट्रे में हम अपनी सेट होने के लिए डाल देंगे। मैंने इसे कोई गर्म नहीं किया है, ऐसे ही एज इट इज मैंने उसमें से निकाल करके इसको ट्रे में ट्रांसफर कर दिया है। ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब उसी में मैं आपको ब्राउन जो शुगर, ये वाली मैं इसमें ब्राउन वाली चॉकलेट मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी, उसी जार को यूज़ किया है मैंने, और इसमें 4 चम्मच ही मैं टेबलस्पून में ये मिल्क पाउडर ले रही हूँ इसमें, क्योंकि मिल्क चॉकलेट वाली चॉकलेट बना रहे हैं, डार्क चॉकलेट नहीं बना रहे हैं। और 4 चम्मच ही मैंने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर बॉर्नविटा का यूज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। अब इसमें 4 चम्मच यहाँ पर कोकोनट ऑयल डाला है, याद रखिएगा, थोड़ा सा बॉर्नविटा और थोड़ा सा कॉफी पाउडर आप इसमें ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, वरना टेस्ट इससे ही अच्छा आता है। और ये देखिए, इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है। अगर आपको स्मूथ नहीं लगे तो आप 1 चम्मच जो हमारा ऑयल है कोकोनट ऑयल, वो और डाल सकते हैं। उसी ट्रे में देखिए, मैंने जहाँ पर खाली था वहाँ मैं उसी ट्रे में ये सेट कर रही हूँ, ताकि आपको लगे कि मैंने दोनों चॉकलेट एक साथ घर में बनाई हैं। बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और बच्चों के लिए देखिए, हम बाजार से क्यों लेकर आए जब हम घर में इतने आसान तरीकों से ये चीज़ें बना सकते हैं। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें जो ना हो आपके पास, आजकल सब जगह मिल जाता है, और कोकोनट ऑयल भी सब जगह मिलने लगा है, हर जगह मिलने लगा है, बहुत सारे ब्रांड्स का आता है। और इसी तरह से बस आप इसको सेट होने के लिए रख देंगे, थोड़ी देर सर्दियां हैं तो बिना फ्रीजर के ही ये सेट हो जाएगा, बाहर ही रख देंगे और आराम से सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो बिल्कुल अब लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया है। बस अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखिए, हमारी चॉकलेट्स बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, और ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, बहुत आसानी से निकल जाती हैं। मोल्ड आप ये वाला यूज़ ज़रूर एक बार खरीद लीजिएगा, इससे बहुत आसानी हो जाती है निकल तो, और नॉर्मल किसी आप कटोरी में भी जमा सकते हैं, कोई आपके पास छोटा सा ढक्कन हो उसमें भी आप जमा सकते हैं, लेकिन इसमें निकालना बहुत ईजी हो जाता है। और ये देखिए, और आप बस इसको आप सजाइए रखिए, और आप इसको पैक करके ना बच्चों को दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट में बना कर भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, गिफ्ट रेडी हो जाता है और बच्चों को खूब पसंद आता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए।